एयरफोर्स के ऐसे पहली बार फॉर्म आए हैं जो मतलब रैली से चलेंगे यूपी में। अभी तक जो होता था वो होता था कि पहले फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी फीस वगैरह लगती थी, लेकिन इनकी कोई फीस वगैरह भी नहीं है। कल मैंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हो गया वो पोस्ट। तो अभी थोड़ी देर बाद ये फॉर्म चल जाएंगे। अभी 10:30 बज रहे हैं, अभी 11 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ नोटिफिकेशन है इसकी, तो ये जो नोटिफिकेशन है मैंने शॉर्ट करके बिल्कुल लिखी है, क्या है क्या है कैसे है सब चीज़ें मैंने बताई है। तो 27 नवंबर 11 बजे ये स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आज 11 बजे स्टार्ट हो जाएंगे। 28 नवंबर 5 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। जो रैली है ये रैली भरती है, एक दिन में ही बता रहे हैं सब कुछ हो जाएगा। ये यूपी में पहली बार चल रहे हैं, इसलिए इसका कुछ जानकारी नहीं है कि जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी या नहीं, या फिर अगर फोटोकॉपी लगेगी तो सेल्फ अटेस्ट लगेगी या नहीं, वो पता चलेगा 11 बजे। शाम को 6 बजे एक बार वीडियो बना के मैं आपको टोटल डिटेल बता दूंगा। अभी मैं बस लग रहा हूँ कि हाँ अभी जो फॉर्म है भरने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या मैटर है क्या नहीं है, हम रुके पड़े हैं अभी। जो रैली है वो 10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगी। 10 दिसंबर का थर्सडे है, 19 का सैटरडे है, इनकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया। एयरमैन सेलेक्शन डॉट सी डैक डॉट इन से भरे जाएंगे। जो भर्ती का प्रोसेस है भाई, जो इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो ऐसा लिख रहा है कि 175 कैंडिडेट्स ईच डे, मतलब 175 कैंडिडेट एक दिन में बुलाए जाएंगे। 10 से 13 दिन का जो प्रोसेस है वो चलेगा। पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट चलेगा, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे बताऊंगा। रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद जो इसे पास कर लेगा, क्वालिफाइंग टेस्ट है ये रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद अडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा 1 और 2। उसके बाद 14 जो तारीख है, मतलब 10 से 13 तक का ये काम निपट गया, 14 तारीख को रिजर्व डे आपका होगा। इसमें आपका जो कुछ भी काम वो करा सकते हैं, आपको रेस्ट के लिए बोल सकते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है वो पूरा करने के लिए बोला जाएगा। 15 से 18 4 दिन मिलेंगे आपको, सेम यही चीज़ रिपीट होगी। और ये शायद उनके लिए हो सकती है जो बाकी के कैंडिडेट बचेंगे, अलग अलग सेंटर इसके बनाए जा सकते हैं। 19 तारीख को फिर से रिजर्व डे होगा, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। टोटल 9 दिन की ये प्रक्रिया होगी। ये भर सकते हैं फॉर्म अगर आपने 12वीं में PCM अगर आपके है और हर एक सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स है, 50-50 मार्क्स से कम ना हो, ठीक है। एग्रीगेट 50% और टोटल भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, ऐसा नहीं फिजिक्स में 49 हो, मुश्किल भरा जाएगा फॉर्म। वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब हम फॉर्म भरने जो स्टार्ट हो जाएंगे। 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म भर जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 2000 तो नहीं भर पाने का, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 2003 तो भी नहीं भर पाने का। फरवरी 2000 भर जाएगा, ऐसे ही फरवरी मार्च सारे भर जाएंगे ये, बाकी के जो इनके बीच में आ रहे हैं। एग्जाम का जो पैटर्न होगा 10 से 19 दिसंबर मैंने ऊपर बता दिया। एडमिट कार्ड निकलेगा 10 दिन पहले, मतलब 1 दिसंबर को मान लो, 1-2 दिन बाद ही एडमिट कार्ड निकल जाएगा इसका फॉर्म के। एडमिट कार्ड निकलने के बाद एग्जाम हॉल में लेके क्या जाना है आपको, सबसे पहले लेके जाना आपको एडमिट कार्ड, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लू या फिर बोल ब्लू या बोल ब्लू ब्लैक बोल पेन, ठीक है। 7 अनअटेस्टेड फोटो, जब आप फोटो खिंचवाए तो फोटो के बैकग्राउंड जो हो, एक तो स्लेट लेके आपको फोटो खिंचवाना है, ब्लैक कलर की स्लेट, व्हाइट चौक से लिखा हो, जो नाम लिख रहा हो आपका वो कैपिटल लेटर में हो, और पीछे का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल हल्के कलर का हो। कलर इसमें डिसाइडेड नहीं है भाई क्या कलर मांगा है, लेकिन ब्लू कलर हमेशा मांगता है एयरफोर्स, तो ब्लू में ही थोड़ा हल्का करा देना। और जो फोटो है 4 मत खिंचाना, फोटो 7 इसमें अनअटेस्टेड फोटो मांग रखे तो कम से कम आपका 7, 8, 9 के आसपास फोटो आप खिंचवा लेना, 9-10 खिंचवा लेना, ठीक है। 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिएगी और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिएगी उस टाइम पे, और 4-4 दिन की फोटोकॉपी चाहिएगी। एक तो चीज़ ये हुई, सिलेक्शन प्रोसीजर में सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी बताए वो लेके जाने हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्वालिफाइंग होगा ये, 1600 मीटर की दौड़ चाहिएगी 6 मिनट 30 सेकंड में। 10 पुशअप चाहिएंगे, पुशअप मतलब जैसे नीचे लेट के हाथ नीचे लगा के जो होते हैं वो होता है। 10 सीटअप होंगे जो आपका, आप गूगल पे चेक कर लेना है ना, बाकी कुछ पूछना मुझसे पूछ लेना। और 20 स्क्वाट्स, स्क्वाट्स होते हैं जो बैठना और उठना, ये स्क्वाट्स होते हैं। सीटअप वगैरह वो होते हैं जैसे कि आपका पैर कहीं पे फंसे हो और एब्स टाइप जैसे मारते हैं, एब्स के जो सेट होते हैं, ठीक है। ये गिवन टाइम में मारने हैं, मतलब लगाने हैं, उन वो बोलेंगे कि भैया ऊपर हो, ऊपर होना है, फिर बोलेंगे नीचे हो, उनके हिसाब से ये होना है, ठीक है, या फिर कोई गिवन टाइम होगा उसके हिसाब में होना है। नोट यहाँ पे ये है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर शूज। हाँ, आपको जो कैंडिडेट है उनको अपने शू दौड़ने के लिए ले जाने होंगे, और जैसे वो दौड़ने में इजी हो, जिस तरीके से वो आरामदायक हो, इस तरीके से लगाने हैं, और ट्रैक सूट वगैरह अपना ले जाना है। उसके बाद होगा रिटन टेस्ट, जो उन्हें क्वालिफाई कर लेंगे सेम डे पे रिटन टेस्ट होगा उसी दिन। रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश, 2 लैंग्वेज में वो होंगे, किसी तरीके से आप दे सकते हो। आंसर OMR शीट पे देना होगा। 60 मिनट्स का ये जो है जो पेपर होगा, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश से जुड़े हुए पेपर जो क्वेश्चन है वो आएंगे।
ट्वेल्थ सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसका जो है पैटर्न रहेगा। इसमें यह कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली, जैसे होता है हर बार कि आपको फिजिक्स में भी क्लियर होना है, एक मिनिमम जो है एक हो जाता है तय कि भैया इतने से ज़्यादा लाने हैं, तो ये सब कुछ होगा जैसे होता है। मार्किंग जो पैटर्न है, एक मार्क्स मिलेगा आपको हर क्वेश्चन जो सही होगा, लेकिन 0.25 कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा 1/4, ठीक है। और अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ये बस फॉर्म होंगे, बाकी फीमेल कैंडिडेट इन्हें नहीं भरेंगे अगर आप कमेंट में पूछोगे। इसके अलावा अडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट के बाद अडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें आपका वहाँ का वेदर के अकॉर्डिंग और भाई वहाँ पे जो काम वगैरह करने का तरीका है उनको देखा जाएगा। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, इसके बारे में थोड़ी इस पर कोई तरीके से लिखा नहीं रखा है, बाकी जो पता चलेगा वो बता देंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद वो इस जगह पे होगी मेडिकल जो आपका टेस्ट होगा। 6 टाइप के मेडिकल टेस्ट होंगे, जैसे कि एक्सरे होता है, ईसीजी होता है, टेस्ट फॉर नार्कोटिक्स ड्रग वगैरह होता है, इस तरीके से। इनकी जो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। पब्लिशिंग ऑफ PSL, जो आपकी जो मेरिट वगैरह लग जाएगी वो 31 दिसंबर को लगेगी, ऑनलाइन लगेगी, तो मैं आपको जरूर वेबसाइट के थ्रू बता दूंगा। अपनी कोई भी क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग, कुछ भी हो, कुछ भी मैं इससे बताने से भूल गया या फिर कुछ लिख रखा था मैंने वो गलत तरीके से पढ़ दिया हो, माफी चाहता हूँ उसके लिए। मैं आपको अलग से, अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज है, कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। और जो इसमें मतलब और कुछ लिख रखा है, जैसे कि इसमें आपके लिख रखा है कि फॉर एनी क्वेरी यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मैं ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी 6 बजे मिलता हूँ। क्या दिक्कत रहती है फॉर्म में, क्या कमी रहती है फॉर्म में, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें बताने के बाद मैं आपको शाम को 6 बजे आपको बताऊँगा, ठीक है।